नमस्कार, इन खबरों में आप सभी का स्वागत है। बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान को लेकर उनके बर्थडे के ठीक एक दिन पहले ही एक शॉकिंग खबर सुनने में आई। एक्टर को सांप ने डस लिया, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में एडमिट किया गया। वे कुछ घंटों के लिए अस्पताल में एडमिट रहे। ये घटना उनके पनवेल स्थित फार्म हाउस में हुई। एक्टर को लेकर फैंस काफी चिंतित और फिक्रमंद नजर आ रहे हैं। और अब सलमान खान के पिता और राइटर सलीम खान ने एक्टर का हेल्थ अपडेट दे दिया है। सलीम खान ने इंसिडेंट के बारे में बात करते हुए कहा कि सलमान खान अपने बेडरूम में थे और उन्होंने अपने हाथ में अचानक दर्द महसूस किया। वहां एक सांप था जो खुली जगह पाकर घर के अंदर घुस गया। उन्हें अस्पताल में एडमिट कराया गया। 3 घंटे तक डॉक्टरों ने उन्हें अपनी सख्त निगरानी में रखा। इसके बाद उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया। सलमान अब अपने फार्म हाउस में वापस आ गए हैं। वे पूरी तरह से नॉर्मल। पूरे हिंदुस्तान ने और फैंस ने दिया है तो ऑब्वियसली प्रिविलेज फील करते हैं अपने आप को, और बहुत अच्छा लगता है। और आई होप कि ये सिलसिला चलता रहे, जारी रहे। सलमान जी, आज ही मतलब हम आपके बर्थडे पे हर साल आते हैं, सुबह सुबह जो खबर आई फैंस के लिए भी थोड़ा दर्दनाक थी, एंड इसीलिए सारे फैंस भी वहाँ आ गए थे क्योंकि सोशल मीडिया के जरिए सभी को पता चल रही थी। हम चाहते हैं कि आप ही बताएं कि मतलब कैसे कुछ हो गया। अरे कुछ नहीं हुआ, वो एक कमरे के अंदर सांप घुस गया था। यहाँ पर जंगल में रहते हैं, फार्म हाउस में, तो हमने फार्म हाउस को कोई एकदम बड़ा नहीं बनाया, जैसे था वैसे ही है। तो कमरे के अंदर सांप घुस गया तो बच्चे डर गए थे, तो मैं चला गया तो बोला एक लकड़ी दे दो मुझे। तो लकड़ी आई तो इतनी छोटी लकड़ी आई, तो मैंने बोला लंबी लकड़ी दो। तो फिर एक लंबी लकड़ी आई तो मैंने सांप को उठाया बड़े प्यार से और उसको बाहर लेके आया, और सांप भी बड़ा प्यार से लिपट गया उसके ऊपर। और फिर वो सांप धीरे धीरे लकड़ी चढ़ना शुरू कर दिया, मेरे हाथ पे आ गया। तो मैंने सांप को यूँ ले लिया दूसरे हाथ में और वो लकड़ी छोड़ के सांप को मैंने पकड़ लिया छोड़ने के लिए। तो यहाँ के जितने भी गांव वाले हमारे जो स्टाफ है उनको पता है कि वो कंदारी सांप है, तो उन्होंने ज़ोर से चिल्लाया कंदारी कंदारी कंदारी। तो वो सांप को समझ में आया कि वो कंदारी है, उसको काटना ज़रूरी है। तो उसने मुझे एक बार डसा, फिर सावला 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 के काटा 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 काटा, इतना ज़ोर से एक शोर हुआ तो उसको समझ में आया कि अच्छा ये काटना होता है। तो उसने एक और बार काटा, फिर हॉस्पिटल 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 हॉस्पिटल, इतना कमोशन हो गया था वहाँ पर कि वो जहरीला टाइप का सांप है। तो फिर उसने तीसरी बार और काटा, तो फिर मैंने उसको सांप को बड़े प्यार से छोड़ दिया और फिर वो हम हॉस्पिटल चले गए। और हॉस्पिटल में पता चला कि ये अलग किस्म का सांप है, वो जो कंदारी जो क्रेट है, क्रेट है लेकिन ये वो वाला क्रेट नहीं है। तब फिर वापस आए और वो सांप यहीं पर था, तो हमने वो सांप को प्यार से वापस यहीं पर छोड़ दिया। सांप के बारे में मजाक के अंदाज में बात करते हुए सलीम ने कहा, हमें सांप से कोई दिक्कत नहीं है, सलमान एकदम सेफ है, हमने भी उस बेचारे सांप को जाने दिया कि जा भाई तू भी चला जा। सलीम ने आगे कहा कि वो एक कस्बा है, वहां पर आसपास कई सारे वाइल्ड क्रिएचर्स हैं, खासकर कि सांप बिच्छू और रेंगने वाले कीड़े बहुत ज्यादा है, यहाँ पर इस तरह के छोटे मोटे हादसे होते रहते हैं, मुझे नहीं पता कि क्यों लोग इतना चंकित हो रहे हैं। सलमान खान के जन्मदिन के बारे में बात करते हुए पिता सलीम खान ने कहा कि सारा परिवार यहाँ पर है, हम सब सलमान के जन्मदिन की तैयारियां कर रहे हैं, सलमान ठीक है और अपने फार्म हाउस में आराम कर रहे हैं। बता दें कि सलमान खान 27 दिसंबर को अपना 56वां जन्मदिन मनाएंगे। फैंस अभी से एक्टर को विश कर रहे हैं और उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना भी कर रहे हैं। तो ऐसे ही खबरों पर रहेगी हमारी नजर, आप देखते रहिए इन खबर। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।